अस्सलामुअलैकुम, आप प्रिजनर अगेन। हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है जो हर्मिट बना हुआ था वो दरवेश असल में एक पागल इंसान था जो कि हेनरी की नफ़रत में एडवर्ड को मारने लगा था। उसने उसको किस तरह से बांधा और उसके बाद जब सर हंडन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उसको किसी न किसी चीज़ से ढक कर फ़ौरन बाहर जाता है और वह ज़्यादा बोल भी नहीं सकता एडवर्ड, क्योंकि उसका मुंह बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। अब प्रिजनर अगेन, अब वो दोबारा एक पागल इंसान का कैदी बन चुका है। इन मार्च्ड माइल्स हंडन अंदर आ गया। हैव यू सीन अ बॉय, क्या तुमने किसी लड़के को देखा है? अ पुअर बेगर बॉय केम हेयर लास्ट नाइट, एक गरीब फ़कीर लड़का यहाँ पर आया था रात को। बट ही वॉज गॉन नाउ, ही हैज़ गॉन नाउ, लेकिन अब वो जा चुका है, सेड द हर्मिट जेंटली, हर्मिट ने बड़े ही एहतराम से कहा। एडवर्ड रोल्ड अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, एडवर्ड ने घूमने की कोशिश की अपनी उस चादर में, बट द रोप हेल्ड हिम टाइटली, लेकिन उस रस्सी ने उसे बुरी तरह से कस के बांध रखा था। ही ट्राई टू स्पीक, उसने बोलने की भी कोशिश की, बट ओनली अ स्मॉल स्ट्रेंज साउंड केम आउट थ्रू द गैग, बहुत ही अजीब से कोई आवाज़ निकल सकी उस पट्टी में से जो कि उसके मुंह पर रुकावट बंधी थी। हंडन हर्ड इट, हंडन ने वह सुन ली, फिर उसने कहा कि यह क्या था? इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से आवाज़ आई है, शाउटेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, परहैप्स योर फ्रेंड हैज़ कम बैक, हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त वापस आ गया हो, लेट्स गो एंड लुक फॉर हिम, चलो बाहर जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। ही लेड हंडन आउट ऑफ द हर्ट, वो हंडन को हर्ट से बाहर ले गया एंड लेफ्ट एडवर्ड अलोन, और एडवर्ड को अकेला छोड़ दिया। एट लास्ट एडवर्ड हर्ड हंडन्स वॉइस अगेन, फिर उसने दोबारा हंडन की आवाज़ सुनी। इट्स नॉट गुड, ही इज़न्ट देयर, वेल आई कैंट वेट एनी लॉन्गर, आई मस्ट सर्च फॉर द बॉय, उसने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, वो यहाँ नहीं है, तो मुझे यहाँ इंतज़ार करके वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, मैं उस लड़के को ढूंढने जा रहा हूँ। डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी, यू कैन राइड दिस डंकी इफ़ यू लाइक, क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरी मदद करो, तुम इस गधे पर सवारी कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई ब्रॉट इट फॉर द बॉय, मैंने ये उस लड़के के लिए लिया था। नो नो, राइड योर हॉर्स एंड लेट योर डंकी, आई विल गो ऑन फुट, नहीं नहीं तुम अपना घोड़ा चलाओ और अपने डंकी को साथ साथ ले जाओ, मैं पैदल ही रहूँगा। बट हरी इफ़ यू वॉन्ट टू कैच योर फ्रेंड, लेकिन जल्दी जाओ अगर तो तुम अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो। एडवर्ड हर्ड द साउंड ऑफ द हॉर्सेस हूव्स, उसने दोबारा घोड़ों की आवाज़ सुनी, पांवों की। दे वर लाउड एट फर्स्ट, पहले वो तेज़ थी, देन दे बिकम फेंटर, फिर वो आहिस्ता होती गई एंड फर्दर अवे, और फिर और ही ज़्यादा दूर चली गई। एट लास्ट ऑल वॉज साइलेंट, आखिरकार बिल्कुल खामोशी छा गई। नाउ एडवर्ड वॉज अलोन, अब एडवर्ड बिल्कुल अकेला था। ही वॉज़ वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत खौफजदा था। द हर्मिट विल किल मी, हर्मिट मुझे कत्ल कर देगा। वेन ही कम्स होम, ही थॉट आई मस्ट इस्केप, उसने सोचा कि क्यों ना मैं भागने की कोशिश करूँ इससे पहले कि वो आए। ही फॉट अगेंस्ट द रोप, द ब्लैंकेट फेल ऑन टू द फ्लोर। नाउ एडवर्ड पुल्ड हिम हिज हैंड्स अप टू हिज माउथ, उसने क्या किया कि पहले तो ब्लैंकेट फेंका, फिर उस रस्सी से काफ़ी हिलजुल के अपने हाथ किसी ना किसी तरह अपने मुंह तक ले गया। ही ट्राइड टू अनटाई द रोप विद हिज टीथ, और फिर उसने अपने दांतों से अपनी जो भी उसके रस्सी बंधी हुई थी तोड़ने की कोशिश की। जस्ट देन ही हर्ड अ लाउड वॉइस, फिर उसने बहुत ऊंची सी एक आवाज़ सुनी। What's that on the bed? बिस्तर पे क्या है? हाँ, it's Tom, ये तो Tom है। So I have found you at last. The speaker was John Canty. अब वहाँ पे उसको दोबारा John Canty ने, Tom के फादर ने ढूंढ लिया था। Edward was a prisoner again. और अब वो उस पागल आदमी का कैद से निकल कर Tom के
ज़ालिम बाप की कैद में दोबारा चला गया। वट यू पीपल हैव टू डू इज़ डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8, और आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 के डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो हैं वो एक पेज पर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, रफ़ कॉपीज़ पे, नीट पे नहीं। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग्स करवाने हैं दोनों के, चैप्टर नंबर 7 की लिस्ट अलग, चैप्टर 8 की अलग, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।